जननी जने तो भक्त जन मेरे प्यारे। प्रभु की प्राप्ति हुई, दीदार प्राप्त हुआ है ठाकुर जी का। तभी तो संत महापुरुष एक छोटा सा भाव गाते हैं, आओ मिलकर के उस भाव को बड़े प्रेम से गुनगुनाएं। उसके बाद हम आगे कथा में वामन चरित्र की ओर चलेंगे प्यारे। कि मेरे बांके बिहारी संवरिया हो, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा। सब गाएंगे भाव से। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं हो जलवा कहाँ। ताली सेवा करते हुए सब गाइए हरि बोल। तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, आंख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है किसी आंखों में पर्दा नहीं है, नहीं है किसी आंखों में पर्दा नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, मेरे प्यारे। दिन रात मैंने तुमको पुकारा, दिन रात मैंने तुमको पुकारा, ओ दिन रात मैंने तुमको पुकारा, दिन रात मैंने तुमको पुकारा, ओ तेरे नाम गले के सहारा, ओ तेरे नाम गले के सहारा, गले के सहारा, ओ तेरे नाम सब गाओ सहारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, तेरे भक्तों ने जब भी पुकारा, प्यारे तेरी आने में देरी मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा।
बोल बांके बिहारी लाल की जय। मेरे बांके बिहारी समरिया, अरे तेरा जलवा कहां पर नहीं है। सुंदर वर्णन आया है इसके बाद ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके अंग हुए, अंग के बैन हुए, जिन बैन के शरीर का मंथन करके भगवान पृथु और अर्चि जी का प्राकट किया, जिन पृथु ने पृथ्वी को गाय बना करके सारे साधनों को धो लिया है। इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन वर्जी नाम के राजा हुए थे बंधुओं, जिन्होंने पूरी पृथ्वी को यज्ञ मंडपों से भर दिया था। इतने यज्ञ इन्होंने जीवन में किए, लेकिन हर यज्ञ में एक पशु की बलि चढ़ाते थे, ये इनका गलत काम था। तब नारद जी ने आगे समझाया, यज्ञ करने का तेरा कोई फायदा नहीं, कितना भी यज्ञ कर ली, पशु की बलि चढ़ाता हर यज्ञ में। समझाया, प्रंजन आख्यान सुनाया, तब इसकी बुद्धि ठिकाने आई। इसी प्राचीन वर्ण की प्रचेता हुए, जिन प्रचेताओं का वंश का वर्णन आगे भागवत जी में भी आता है। स्वयंभु मनु के जो आखिरी संतान प्रियव्रत जी महाराज हैं, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, जो प्रियव्रत जी अपने जीवन में प्रिय व्रत धारण करते हैं, जिन प्रियव्रत जी का चरित्र बहुत अच्छा, सप्तदीप बनाए जिन्होंने, प्रियव्रत के आग्नेत्र, आग्नेत्र के हुए थे नाभि और नाभि के हुए थे बंधु ऋषभदेव भगवान, जिन ऋषभदेव भगवान से हमारे जैन धर्म का प्राकट्य हुआ है। जैनियों में जो 24 तीर्थंकर होते हैं वो ऋषभदेव भगवान की ही देन है, उन्हीं से ही उनका प्राकट्य हुआ है। ऋषभदेव भगवान वर्णन ऐसा आता है, जितनी कठोर साधना जैन धर्म के साधुओं की है उतनी कठोर साधना किसी अन्य धर्म के साधु की नहीं है। बाल नहीं कटवाते, बालों को निकालते, नोचते शरीर से, ज़्यादा नमक और मिर्च वाला और ये मिठाई विठाई नहीं खाते, दिन में भोजन नहीं करते, और अनेक नियम हैं, एक टाइम फलार करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, कभी गाड़ी पर नहीं चलते, नंगे शरीर बैठते हैं महाराज, बहुत कठोर साधना करते हैं। 100 पुत्र हुए, सबके सब जंगल में जाने लगे, बेटा सब जंगल में चले जाओगे, घर में मंगल कौन करेगा। अपने सबसे बड़े पुत्र भरत को बिठाया, जिन भरत जी ने कुछ समय तक राज्य को भोगा, लेकिन कुछ समय के बाद गंडकी नदी के तट पर नेपाल में जाकर भजन किया, जहां इनका पहला जन्म एक हिरण के बच्चे में फंस जाता है, मोह हो जाता है, और हिरण के बच्चे को याद करके मरते हैं, तो इसलिए अगला जन्म इनका हिरण का ही होता है। अंत मति सो गति, जैसी व्यक्ति की अंत में मति होती है वैसी ही व्यक्ति की आगे चल के गति होती है। दो जन्म इन्होंने बेकार किए, अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए, जड़ भरत इनका नाम रखा गया, जिसमें राजा रहुगण को उपदेश करते हैं, बहुत सुंदर उपदेश आया, आपको उपदेश श्रवण भी कराएंगे, समय मिलेगा बाद में कभी। उद्धार किया है, भूगोल खगोल का वर्णन आया, अतल वितल सुतल तलातल महातल सातल पाताल के नीचे के लोगों का वर्णन आया, जो 10,000 योजन की दूरी पर स्थापित हैं सब, पहले अतल है, वितल है, सुतल है, तलातल है, महातल है, रसातल है, पाताल है, सबसे नीचे। नरकों की कथा का वर्णन आया भागवत जी में, जो व्यक्ति जैसा पाप करता है उसको उसी प्रकार नरकों में डाला जाता है, 28 प्रकार के नरक भागवत जी में गिनाए, जैसा पाप करोगे जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार नरकों में डाला जाएगा। नरकों से बचने के लिए कोई उपाय है, बोले हाँ है, बोले नरकों से यदि बचना चाहते हो तो कृष्णेति मंगलम नामः, जीव को मंगल प्रदान करने वाला और अमंगलों को हरने वाला केवल एक ठाकुर जी का नाम है। यदि नरकों में जाने से बचना चाहते हो तो प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण कर लो मेरे बंधुओ, नरकों में जाना ही नहीं पड़ेगा। बोलो राधे राधे, कृष्णेति मंगलम नामः, मंगल प्रदान करने वाला अमंगलों को हरने वाला। नरकों में जाने जाने से जानते हो, अजामिल जैसा पापी जो अजामिली अजामिल माया से मिला हुआ था, अजामिल जैसा पापी भी बच गया, क्यों, क्योंकि अजामिल ने अपने बेटा नारायण को पुकारा था, ये तो एक संतान एक संसारी मनुष्य को पुकारा नारायण नाम पुकार कर, ये प्रभु के नाम की महिमा थी, जो अजामिल अंत में यमदूतों के फंदे से छूट गया था। यमराज ने भी अपने दूतों से कहा था, हे दूतों सुन लीजिए, आप किन किन लोगों को मेरे पास लाया करो, कान खोल के सुन लो। यमराज अपने दूतों को बताता है कि दानान यद्मसतो विमुखान मुकुन्दः पादारविन्द मकरन्द दशादिजश्रम,
कि जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिनकी जिव्या प्रभु के नाम का स्मरण ना करती हो, चिंतन ना करती हो, प्रभु के नाम को ना पुकारती हो, जो लोग अपने गले में तुलसी माला धारण ना करते हो, जिनके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, जिनके घर में ठाकुर सेवा ना होती हो, जिनके घर में संत सेवा ना होती हो, अरे दूतो ऐसे लोगों को तुम मेरे पास खींच करके लाया करो। लेकिन जो प्रभु के भक्त हो उनके पास तुम कभी भटका भी मत करो, ऐसा वर्णन आया मेरे प्यारे। कर्म पंचाध्यायी का वर्णन कराया, उसके बाद वर्णन ऐसा आता है प्रिय श्रोताओ, प्रहलाद चरित की कथा कल आपको श्रवण कराएंगे, लेकिन अब समय हो चुका है बामन भगवान की सुंदर झांकी का। तो आइए अब हम क्यों ना बामन भगवान के पावन चरणों की तरफ बड़े प्रेम से हम लोग बढ़ते हैं, ताकि जो सबको देने वाले हैं वो बामन भगवान राजा बलि के द्वारे गए थे 3 पग भूमि का दान मांगने के लिए। ऐसा वर्णन आता है प्रिय श्रोताओ, एक बार दैत्यों में देवताओं में घमासान युद्ध हुआ। बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण देवता श्री से हीन हो गए थे। दैत्यों ने मौका प्राप्त किया, इंद्रलोक पर बैठ गए। दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बलि यदि मैं चाहूं तो तुमको त्रिलोकी का मालिक बना सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके लिए भगवान के प्रिय ब्राह्मणों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान ब्राह्मण प्रिय हैं, भगवान के प्रिय ब्राह्मणों की तुम सेवा करो। तब गुरु के कहने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों की सेवा करी थी बंधुओं, जिस सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने राजा बलि को एक ऐसा रथ दिया था, जिस रथ पर चढ़ करके राजा बलि ने 3 लोगों को जीत लिया था और त्रिलोकी का मालिक राजा बलि बन गया था। लेकिन बंधुओं ऐसा वर्णन आता है, राजा बलि जब त्रिलोकी का मालिक बन गया, देवता घर से बेघर हो गए, देवताओं की माँ अदिति बड़ी दुखी हो गई। देवताओं की माँ अदिति ने कश्यप जी से निवेदन किया, बोले प्रभु मेरे पुत्रों का राज्य उन्हें वापस दिलाइए, घर वापस दिलाइए। तब कहा बोले देवी, ये तो तब संभव है जब स्वयं भगवान राजा बलि को छल सकें, क्योंकि राजा बलि के पास भगवान के प्रिय ब्राह्मणों की शक्ति है, इसलिए राजा बलि को तो भगवान ही चल सकते हैं, हम नहीं दिला सकते। हाँ उसका नियम बता सकते हैं, तब एक व्रत बताया है राजा बलि। यहाँ पर ऐसा वर्णन आता है, मादिती को 12 दिन का व्रत जिसका नाम पयोव्रत, जिस व्रत को किया है मादिती ने बड़ी निष्ठा बड़े भाव के साथ, और उस व्रत को करने से ही स्वयं भगवान नारायण आज ऐसा वर्णन आता है वामन के रूप में आज अवतरित होते हैं। बोलो वामन भगवान की। जिन वामन भगवान का सुंदर स्वरूप का वर्णन आया है कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षया कर्मणा कार्यामाशु पुरुषकृत्यम प्रजा। सुंदर भादों का महीना था, शुक्ल पक्ष थी, विजया नाम द्वादशी तिथि है, जिस दिन अजता अवजित मुहूर्त है। वर्णन ऐसा आता है, जिस समय मेरे प्रभु वामन अंगुल का वामन रूप धारण करके माँ अदिति के घर में जन्म यानी प्रकट होते हैं। बोल वामन भगवान की। यही वामन भगवान जाते हैं राजा बलि के द्वारे। राजा बलि से कहा था, बोले बलि हम तुमको त्रिलोकी का मालिक समझते हैं, तुम बहुत बड़े दानी हो, आपके दादा परदादा सब दानी थे, लेकिन हम तुम्हारे द्वारे आए हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी शरीर के अनुमान से हम आपसे 3 पग भूमि का दान मांगते हैं। राजा बलि ने कहा था, अरे महाराज अहो ब्राह्मण दाया द वाचस्ते वृद्ध सम्मतः, आप तो प्रभु ऐसे हो, वैसे तो बड़े बूढ़ों जैसी बातें करते हो, लेकिन बुद्धि तुम्हारी बच्चों जैसी है, लेकिन प्रभु मैं समझ गया हूँ आप कोई और नहीं साक्षात नारायण हो, मेरे गुरुदेव भी मुझसे बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको 3 पग भूमि का दान जरूर दूंगा। राजा बलि ने 3 पग भूमि का दान का संकल्प लिया था, 2 पग में मेरे प्रभु ने सब कुछ नाप लिया था, और 3रा पग
कहाँ रखे। राजा बलि ने कहा प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी। तब भगवान ने कहा था कि बड़ा तो दानी होता है, जब दानी नहीं होगा तो दान की क्या विशेषता है। तब राजा बलि ने कहा प्रभु अब तक आपने मेरे दो पग में सब दान को नापा, लेकिन अब ये दानी भी आपके चरणों में समर्पित है, इस दानी को भी आप नाप लीजिए। तब ऐसा वर्णन आता है भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि को सुतल लोक का राज मेरे प्रभु ने प्रदान कर दिया है। बोल भक्तवत्सल भगवान की, दीन बंधु भगवान की, बामन भगवान की, सब गाइए। तन पे सोए रही मृग छाला, तन पे सोए रही मृग छाला, और मस्तक पर तिलक लगाया है ओ राजा बल छल। बोल बामन भगवान की। एक आइए एक हाजरी और बामन भगवान के पावन श्री चरणों में हम सभी लगाएंगे। देखो भैया, आप सबको बामन भगवान की आरती के लिए तो खड़ा होना ही है। अब 3 घंटे हो गए बैठे बैठे, अब थोड़ी सी हाजरी भी प्रभु के चरणों में लगा लो है? कहते हैं जो भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं, मेरे ठाकुर जी ऐसे मंगल उत्सवों में सम्मिलित होने से उनके घर के तमाम अमंगल दूर कर देते हैं। ये मेरे प्रभु की दयालुता है। तो आइए सभी खड़े होकर के एक हाजिरी प्रभु के पावन चरणों में लगाएंगे। हो मैं तो श्याम रंग में रंग गई, रंग गई देवरिया, रंग में रंग गई देवरिया। मैं तो श्याम रंग में रंग गई, रंग गई रंग गई देवरिया। हो मैं तो श्याम रंग में रंग गई देवरिया, रंग गई देवरिया, रंग में रंग गई देवरिया, रंग गई देवरिया, रंग में रंग गई देवरिया। तो श्याम रंग में रंग गई, रंग गई रंग गई देवरिया। हो मैं तो श्याम तेरी राजधानी वृंदावन को जाऊंगी, छोड़ तेरी राजधानी वृंदावन को जाऊंगी, छोड़ तेरी राजधानी वृंदावन को जाऊंगी, ओ छोड़ तेरी राजधानी वृंदावन को जाऊंगी। और ठाकुर जी के दर पे उछल उछल के नाचूंगी, हो ठाकुर जी के दर पे उछल उछल के नाचूंगी। ओ मैं तो श्याम रंग में रंग गई, रंग गई रंग गई देवरिया। ओ मैं तो श्याम रंग हो।
गठन में एक तारा पामन घुंघरू बांधूंगी, आसन में एक तारा पामन घुंघरू बांधूंगी, आसन में एक तारा पामन घुंघरू बांधूंगी, हो आसन में एक तारा पामन घुंघरू बांधूंगी। और ब्रजवासिन के दरवाजे पे अलख जगाऊंगी, हाँ ब्रजवासिन के दरवाजे पे अलख जगाऊंगी, ओ मैं तो शाम रंग में रंग गई देवरिया, ओ मैं तो शाम रंग में रंग गई देवरिया, हो साथ आप हो यारी छवि हो।